थैंक यू मुमताज़ साहब फॉर जॉइनिंग अस. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आर्ट का शोबा आपने क्यों चूज़ किया, क्योंकि पाकिस्तान में मेडिसिन इंजीनियरिंग इन चीज़ों को खसूसन मर्दों के लिए प्रेफर किया जाता है. मुझे शुरू से आर्ट में जाने का बहुत शौक था, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं लॉयर बनूँ. मेरे वाले साहब लॉयर थे, तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आई हैव टू लाइ माई फैमिली. तो उन्हें यह कहा कि जी हाँ, मैं लॉ पढ़ रहा और मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ रहा था. मुझे जंग से हूँ, तो एक्सेप्टेंस नहीं थी इस प्रोफेशन की मेरी सोसाइटी और मेरे एनवायरनमेंट जहाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ. मेहनत और लगन से मुमताज़ हुसैन ने न सिर्फ अपने माहौल की रवायत को तोड़ा, बल्कि दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स जैसे पोलो रॉल्फ लॉरेन, साइमन एंड शस्टर और कैल्विन क्लाइन जैसे नामों के साथ अपना नाम जोड़ा. आपने यहाँ पे क्या देखा है, कितनी वो है एक्सेप्टेंस है पाकिस्तानी या ईस्टर्न फॉर्म ऑफ आर्ट की, और लोग उसको किस नज़र से देखते हैं? दे आर वेरी कीन टू लर्न अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स. अच्छा, वो जो इंटरेस्ट है यहाँ के इंटेलिजेंसिया में, वो हेल्प करता है. मैं लाख यूरोपियन या अमेरिकन बनूँ, मैं नहीं बन सकता. मेरे एटीट्यूड, मेरा बैकग्राउंड, मेरे कंधे पे एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री का मुझे पालन करना है. अच्छा, जब आप ट्रूथफुल होते हैं आप अपने सब्जेक्ट और अपने बैकग्राउंड से, तो उसकी एक इज्जत मिलती है जो कि हमारे इलाके में नहीं है इतना. कि आप अगर अंग्रेज को कॉपी करते हैं तो आपको ज़्यादा अप्रिशिएट, सोफिस्टिकेटेड जाना जाता है, जबकि ये चीज़ उससे बालातर है. आप जितने पाकिस्तानी हैं एंड यू आर ट्रूथफुल योर सब्जेक्ट, उसकी ज़्यादा कदर करते हैं. पेंटिंग्स और ग्राफिक आर्ट के अलावा मुमताज ने फिल्म साजी में भी कामयाब तजुर्बे किए हैं, और उनकी फिल्म पुश बटन फॉर तो खास तौर पर अहमियत की हामिल है. एक पाकिस्तान की क्लासिकल स्टोरी है ओवरकोट, गुलाम अब्बास की. तो मैं ये चाहता था कि सारी दुनिया शेक्सपियर और बायरन और इन सबको अपनी जबानों में ट्रांसलेट करके उनका करते हैं. तो मैंने कहा कि मैं कम से कम अपने देश की और अपनी जबान की जो है खिदमत यही कर सकता हूँ. मैंने उसकी अडेप्टेशन गुलाम अब्बास के अफसाने की अंग्रेज़ी में की. वह वाहिद फिल्म है जो उर्दू के अफसाने को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जा सके कि हमारे जो राइटर्स हैं, अगर वो यूरोप की धरती पे पैदा हुए होते तो वो शेक्सपियर से कम नहीं है, उनके लेवल के हैं, उनसे बड़े हैं. तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म्स का, जो थोड़ी नॉन ट्रेडिशनल हैं, क्या उनकी मार्केट है, क्या वो मार्केट डेवलप हो रही है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में हमारी ऑडियंस इतनी एजुकेटेड होगी कि वो ऐसी मूवीज़ को अप्रिशिएट करे? हमारा जो ट्रेडिशन पॉपुलर सिनेमा की है वो अब टूट रही है, टूटी है, इन फिल्मों ने अभी तोड़ी है. अब तो सिनेमा में जा ही इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए ऑडियंस जा रही है, क्योंकि एजुकेट जो ये रेवोल्यूशन आया इंटरनेट का, पूरी दुनिया से कनेक्ट हुई है ऑडियंस, उनके स्टैंडर्ड बढ़े हैं, चाहे बॉलीवुड है चाहे कुछ है. इंडिपेंडेंट फिल्म है वो, जो तजर्बात हैं सोशल रियलिज्म के, वो अब लोगों में एक्सेप्टेंस, वो देखना चाह रहे हैं उसको. सिनेमा को अगर बचाएगा तो वो इंडिपेंडेंट सिनेमा जो है ना, वो फिल्में बचा रही हैं. आप पाकिस्तान में खसूसन आर्ट का क्या फ्यूचर देखते हैं, और पाकिस्तानी आर्ट का दुनिया भर में क्या फ्यूचर देखते हैं? मैं आपको बड़ी जल्दी से एक थोड़ी सी एक कहानी सुना दूँ. तो अल पचिनो वाज शूटिंग ए फिल्म किसी एक रेस्टोरेंट, उसका ओनर मेरा दोस्त था, तो वहाँ वो फिल्म शूट कर रहे थे. मुझे शौक फिल्मों का है, तो मैंने कहा यार मुझे भी देखने देना शूटिंग. तो वो इजाज़त लेके जब वहाँ गया तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अल पचिनो से थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई. मैं अभी पास ही गया था तो उन्होंने कहा वेयर यू फ्रॉम, मुझसे. मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. तो ठंडा सांस भर के वो कहते हैं हाय नुसरत फ़तेह अली. अब ये इतने लेवल का बंदा जो पाकिस्तान का असल सफ़ीर जो है, ये लोग एम्बेसडर हैं, ये आर्टिस्ट, ये पेंटर, ये गाने वाले, और हमारी सोसाइटी इन लोगों का बेचारा आर्टिस्ट है कि भुखा ही मर रहा होना. मतलब ये जो एटीट्यूड है ना, प्लीज़ इस मैं अपने देसी भाइयों को ना मिन्नत करूँगा कि ये एटीट्यूड छोड़ दें. आर्टिस्टों को, सिंगर्स को, पेंटर्स को, उनको मकाम दें, इज्जत दें, और ये लोग लेके आएंगे पाकिस्तान का इमेज जो है ना, उसको आगे बढ़ाएंगे. और फिल्म की बात हो रही थी तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. थैंक यू मुमताज़ साहब, हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम ग्लैड.